हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ऑल फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो भी जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे सबके सब उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसको मैं लिख दूंगा। उतना ही एनफ है किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए, खासकर टेंथ लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेंथ स्टैंडर्ड में जितने भी फॉर्मूले हैं वो पूरा पूरा वन बाय वन कैसे कनेक्शन है उसको मैं पूरा सीरीज से बता दूंगा, ठीक है। और मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जो फॉर्मूला होता है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है थ्योरेटिकल पार्ट का। तो थ्योरी अगर आपको आ रही है, टॉपिक आपको आ रहा है, तो आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लोगे। क्योंकि भाई जैसे मान लो चार्ज, तो CHARG चार्ज, तो आपने क्या किया भाई, इसको क्यू लिख दिया। चार्ज क्या होता है, तो वो उसकी डिफिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे NE। तो सिंपल क्या है भाई, थ्योरेटिकल पार्ट को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे समझे हुए टॉपिक वैसे, और उसी से काम हो जाएगा। तो ऑल फॉर्मूले, सबसे पहली बात भाई आपने पढ़ा हुआ है चार्ज, तो चार्ज आपने पढ़ा है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको ये बोले व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। अभी आपको याद रखना ये चीज कि वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। क्या होती है भाई, COLOUMB, कूलम्ब साइंटिस्ट थे, इसलिए कैपिटल सी भी बोल सकते हो। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद नंबर वन पॉइंट, नंबर टू व्हाट इज करंट, तो भाई करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज, रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ चार्ज, रेट का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना, याद रखना। तो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अब भाई यहां पे ये हो जाएगा क्यू के जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टी भी बोल सकते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये ई डिवाइड बाय टी भी हो सकता है। तो अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग क्यू अपॉन टी, ई अपॉन टी, एनी डिवाइड बाय टी कुछ भी बोल सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, अब अगर मुझे तो जरूरत इसकी है, व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम इज कॉल्ड व्हाट, करंट। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, कि उसकी स्पीड क्या है, करंट की जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या है, दैट इज नथिंग बट करंट। अब यहां पे भाई चार्ज की यूनिट होती है कूलम, आपने बोला, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट हो जाएगी, कूलम्ब पर सेकेंड यूनिट किसकी हो जाएगी भाई, करंट की। लेकिन करंट के बारे में सब डिस्कस करने वाला जो साइंटिस्ट था जिनका नाम था एम्पियर, इसलिए कभी भी इनको मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पियर। तो कोई बोलेगा करंट की यूनिट क्या होती है, तो आप बोल सकते हो कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर या कैपिटल ए लिख दिया करो। साइंटिस्ट का जब नाम रहे तो उसका सिर्फ कैपिटल ए, उसका कैपिटल वाला नाम, यानी शुरुआत का जो नाम रहे, जैसे कूलम्ब का तो कैपिटल सी लिख दो, एम्पियर का सिर्फ कैपिटल ए, न्यूटन का कैपिटल एन, ठीक है। तो जस्ट उसका पहला लेटर लिख दिया करो तो काम हो जाएगा। ओके भाई, ये करंट का फॉर्मूला हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए भाई करंट क्यों जनरेट होती है, तो आपने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, मतलब बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन फॉर अ सिंगल चार्ज, वर्क डन फॉर अ सिंगल चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, किसी भी एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब बताओ यहां पे वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और डब्ल्यू भाई एनर्जी है, डब्ल्यू मतलब वर्क और क्यू क्या है भाई, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डिवाइड बाई चार्ज, और वर्क कभी भी उसका जो यूनिट होता है बेटा वो जूल होता है। कोई भी काम होता है जो उसका यूनिट जूल होता है, और चार्ज की यूनिट आपने ही पढ़ा, चार्ज की यूनिट आपने क्या बताया भाई, कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब जो है ये किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेकिन क्योंकि एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सबसे पहली बैटरी बनाई थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इसलिए इज्जत में
जूल पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, या चाहो तो इसका जस्ट पहला लेटर ही लिख सकते हो आप कैपिटल वी, तो काम हो गया। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और उसके साथ साथ यूनिट भी मिल जा रही है। अब आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम था भाई ओम्स लॉ। तो उसने क्या बोला कि जब वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो करंट होगा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आपको एक फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू आई आर, और यहां पे R जो है वो बेटा रेजिस्टेंस है, R क्या है रेजिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा तो V अपॉन I हो जाएगा, बात को समझे बेटा, यहां पे रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन I हो जाएगा। अब V क्या है, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट, ये भी साइंटिस्ट का नाम, और I जो है वो करंट है, करंट के यूनिट एम्पियर हो जाएगा भाई, यूनिट मतलब जिसमें मेजर करेंगे, तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। तो कोई बोले रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे बेटा वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओम, जिसका नाम था ओम, तो इसलिए ओम्स लॉ इसको बोलते हैं भाई। तो ओम एक साइंटिस्ट था जिसने इस बात को बताया था, इसलिए इसकी यूनिट प्यार से हम लोग ओम बोल देते हैं, और कभी कभी सिर्फ ऐसे डिनोट कर देते हैं। बेटा मैंने आपको ये जो लेबल बता रहा हूं ना, ये बहुत काफी अच्छा लेबल, आपको 11 12th नीट लेवल की चीज है। ठीक है, हालांकि आपको कितना आसानी से समझ में आ रहा है, ये चीज कनेक्शन है भाई एक दूसरे से, तो इसको जानना जरूरी है। आपको क्या टेंशन है, जैसे आप पढ़े हो, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट भी बता दे रहा हूं, आपको काम हो जा रहा है भाई, कैसे कैसे दिमाग में रखना है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर भी मिल गया आपको। अब देखो आपको क्या मिला, चार्ज करंट वोल्टेज, और वोल्टेज जो जो बोला ओम्स ने वो भी मिल गया, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इतनी बातें तो मिल गई। अब देखो यहां पर जो ये रेजिस्टेंस है ना, इस पर थोड़ा सा खेल लेते हैं चलो। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बहुत डिटेल में जानना होगा, टॉपिक एक एक बात बताया हूं भाई, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टर रेजिस्टर सब कुछ बताया हूं, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो अब भाई मैं बोलूं रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा लेंथ पर। लेंथ अगर बढ़ा दोगे किसी वायर का तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दूरी रहेगा तो भाई करंट क्या है स्लो हो जाएगा, और अगर वायर मोटा कर दोगे एरिया बढ़ा दोगे वायर का तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब इसीलिए देखो ज्यादा एम्पियर की करंट के लिए ज्यादा मोटा वायर लेते हैं, वायर जगह ज्यादा मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से भागेगी। तो ये एक बात मिला, इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा एल बाई ए, तो एक फॉर्मूला मिलेगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, और जहां पे एल लेंथ है, ए एरिया है, और रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं भाई रेजिस्टिविटी, तो रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, तो रो जो है वो क्या हो जाएगा भाई, रो इज इक्वल टू, यहां पे रो बचाओ तो ये हो जाएगा आर ए, देखो इधर मैंने इसको ले आया, डिवाइड बाई एल, तो रो जो होता है आर ए डिवाइड बाई एल होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना कि रो इज इक्वल टू जो रेजिस्टिविटी होता है वो रो ए डिवाइड बाई एल होता है। अब अगर इसकी यूनिट निकालना है तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया मतलब होता है मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो कोई बोले रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है तो आप बोलोगे ओम मीटर। ठीक है, ये बात बताओ समझ में आए कि नहीं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब बेटा रेजिस्टेंस को जब उल्टा कर दो तो कंडक्टेंस बोलते हैं, कभी आ जाए तो रेजिस्टेंस निकालना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो अगर मान लो कंडक्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस को उल्टा कर देना, पहले रेजिस्टेंस निकाल देना बाद में उसको उल्टा कर देना। अगर कोई बोले रेजिस्टिविटी बताओ, रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है आर ए डिवाइड बाई एल, लेकिन अगर कोई बोल दे कंडक्टिविटी बताओ तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दोगे। तो अगर आप ये निकाल लिए इसका उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी हो जाएगा, तो एल डिवाइड बाई आर ए ये कंडक्टिविटी हो जाएगा, और वन अपॉन ये वी अपॉन आई है आर, तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा, ये जो है कंडक्टेंस हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस है ये फॉर्मूला, तो आई अपॉन भी उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस हो जाएगा, तो अलग से बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई फॉर्मूले के लेकर। उसके बाद आप अगर चाहे मान लो यही रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस पे ही हम लोग खेल रहे हैं, यहां पर ये वर्ड निकाल लिया जो लेटर निकाला, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस अगर मान लो, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से बल्ब, बल्ब के अंदर भाई बल्ब हुआ फैन हुआ जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हो वो रेजिस्टेंस ही है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ही है, क्वाइल लगा होता है, इलेक्ट्रॉन को घूमकर जाना पड़ता है भाई, तो रेजिस्टिविटी का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका काम होता है। ठीक है,
तो बल्ब सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है कि नहीं, वहां के अंदर फिलामेंट दिख ही रहा है अच्छा खासा। तो मान लो अगर एक से ज्यादा बल्ब सीरीज में जोड़ दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस अगर कनेक्शन कर दिया जाए सीरीज में, तो सीरीज में अगर मान लो एक से ज्यादा बल्ब को जोड़ दिया जाए सीरीज में, तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने प्रूफ किया भाई कि R जो टोटल होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रहेंगे सब जुड़ जाएंगे। और अगर जो पैरेलल कर दिया जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा मैं बहुत डिटेल में बताया, उसका प्रैक्टिकल भी बताया हूं। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाए R1 R2 R3 तो क्या हो जाएगा भाई, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये करके आ जाएगा। जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सब जुड़ता चला जाएगा लेकिन डिवाइड होकर। इसे यह पता चला कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से याद रखना आग लग जाएगी, ठीक है, हमेशा फायर हो जाता है। और जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है, तो याद रखना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इसलिए हमारे घरों में ये जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको इसके साथ साथ बताते, ये फॉर्मूले के साथ साथ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। बहुत डिटेल में जाने के लिए भाई आपको पूरा पूरा जाके वीडियो देखो, 100% एक एक पार्ट बताया हूं बहुत डिटेल में, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो अभी आपको इतने फॉर्मूले क्लियर हो गए, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्शन है। ये मालूम हुआ तो ये मालूम हुआ, ये मालूम है तो ये है भाई, इससे रिलेटेड है। ये सिर्फ फॉर्मूला ऐसे नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा ये क्यों आया, इसका वजूद क्यों है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद ओम्स लॉ ने क्या बताया भाई, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या है भाई, एक देखो ना थ्योरेटिकल पार्ट है, उससे फॉर्मूला बना दिया गया, उसी को डिफाइन करके मैथमेटिकली लिख दिया गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, जस्ट यही चीज को उठाएंगे और इस पर कई फॉर्मूले बना देंगे। अभी देखना, इसको मिटा दूं प्लीज, इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत कुछ अभी लिख सकते हैं। देखना, यहां पे V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए बेटा। W जो है वो एनर्जी है, W मतलब वर्क, मतलब सीधा सीधा एनर्जी बोलो, इसका नाम एनर्जी है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो W मतलब वर्क, एंड वर्क मीन्स नथिंग बट, वर्क इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब यहां पे जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, बात को समझो, यहां पे जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, या कभी कभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल दो, या हीट एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रिकल के लिए बात एक ही है, सब एक ही बात है, ठीक है। कभी कभी इसको H से डिनोट करेंगे, H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, कोई दिक्कत ना लो, H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखो, H मतलब हीट, कौन सा हीट, इलेक्ट्रिकल हीट, तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, चाहे H लिखो W लिखो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, आप क्या काम करो, V की जगह पर IR लिख दो भाई, आपने लिखा हुआ उधर V के जगह पर IR, तो Q इज इक्वल टू Q इंटू V के जगह पर IR लिख दिया, तो इसी का फॉर्मूला ये बन गया QIR, जैसा लिखेगा जैसा दे रखिएगा वैसा ले लेंगे। अब देखो Q के जगह पर IT लिख दो, IT इंटू आई स्क्वायर आई इंटू आर है ही है, तो ये क्या हो गया भाई आई स्क्वायर RT, लो भाई ये भी एक फॉर्मूला बन गया, देखो आई स्क्वायर RT बन गया, ठीक है। कुछ मिलाकर किसी भी इधर उधर घुमाते जाओ, बस देखो IR की जगह पर आप क्या लिख दो भाई, IR की जगह पर आप V लिख सकते हो, देखो ना, तो IR की जगह पर आप V रखोगे, देखो यहां पे V रहने दो, मान लो एग्जांपल के लिए कोई कहीं भी यहां पे V रहने दो ऐसे, और Q की जगह पर IT, अरे आपने पढ़ा है भाई I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q की जगह पर IT नहीं लिख सकते हो, तो Q की जगह पर IT मैंने लिख दिया, तो ये लो भाई एक नया फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं, तो वर्क डन, वी आई टी बन गया, आई स्क्वायर आर टी बन गया, क्यू इंटू वी बन गया, वी आई टी बन गया, ठीक है। वी आई को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अभी देखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अगर आप क्या है भाई, यहां पे इसकी जगह पर सिर्फ घुमाते जाओगे, अगर इधर उधर उल्टा सीधा थोड़ा करते जाओगे, तो ये नया नया फॉर्मूला बनता जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर हम लोग क्या काम करेंगे, इसको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब I की जगह पर आप देखो अगर V अपॉन R लिख सकते हो, देखो ना I की जगह पर V अपॉन R लिख सकते हो, तो I की जगह पर मैं यहां पे V अपॉन R लिखूं, देखना कुछ भी नहीं यार, नया नया फॉर्मूला बनता जाएगा। I की जगह पर V अपॉन R लिखूं मैं,
और ये टी पहले से, ये वी पहले से है, तो ये हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, नहीं हो जाएगा? मैं बोला नहीं, कई तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक नया फार्मूला बन गया, ये अलग है, ये अलग है, देखो ना, वी आई टी ये अलग मिल गया, वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी, वर्क डन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, मिल गया ना भाई। तो इसी को हम लोग, इसमें से स्पेशली इसको हम लोग जूस लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, कि अगर टेम्परेचर टाइम बढ़ाओगे, टाइम ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाओगे तो वर्क ज्यादा बढ़ेगा, हीट ज्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किसी वायर के अंदर तो ज्यादा हीट बढ़ेगा, अगर करंट ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा हीट बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। बेटा ये सब कौन सी चीज है, नॉर्मल बात है ना, यहीं से निकला हुआ है, इसी को पुरानी चीज को इस्तेमाल करना, ये बन जाएगा फार्मूला। तो ये सब जरूरी है, ये सब जानोगे तो यार कुछ भी एक भी न्यूमेरिकल बताना जो ना हो जाए, बताओ ना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहेगा सब कुछ। ओके, अब उसके बाद ये जब हो जाएगा तो फिर आपको क्या काम करना है, पावर पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है पावर। अब भाई पावर जो होता है ना वो रेट ऑफ वर्क होता है, वर्क डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। तो वर्क कितना काम कितने टाइम में होता है, दैट इज कॉल्ड पावर। कितना टाइम में कितना काम कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर। डिटेल में इसके बारे में बताया हूं, तो जरा बताओ ना पावर क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पे भाई वर्क जो भी है, वर्क हमारे पास है क्यू इंटू बी, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, पावर बन गया। वर्क हमारे पास है आई स्क्वायर आर टी, और इसको टाइम से, आई स्क्वायर आर टी इसको टाइम से डिवाइड कर दो, आई स्क्वायर आर, ये बन गया पावर बेटा। ये वी आई टी हमारे पास वर्क है, वी आई टी टाइम से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा वी आई, ये भी मिल गया पावर। ये देखो वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड इंटू टी है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, बेटा क्या बन गया वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया पावर। तो एक बात बताओ, इसके अंदर से टी हटा दो तो सब पावर नहीं बन जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है वो वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क होता है।